हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाली हूँ ऐसे पर का ये लैवेंडर आई शेडो पैलेट। और गाइस, इसे मैं अप्लाई करके हैंड पे स्वॉचेस दिखा दूंगी आप लोगों को, इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेंगे। तो गाइस, ये आता है ऐसे कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में, और इसमें हम लोगों को टोटल शेड मिल जाते हैं 21। शेल्फ लाइफ मिलती है हम लोगों को 5 ईयर्स की, और ये मुझे मिला था 349 रुपीज़। ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था गाइज। इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है हम लोगों को 21 ब्रांड का। इसके बैक में इंग्रेडिएंट को मेंशन कर दिया गया है क्या क्या इसमें यूज़ किया है। मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों को मिलता है एक मिरर जो काफ़ी स्टडी मिरर है। यहाँ पे मिलता है एक प्लास्टिक कवर। इसमें टोटल शेड मिल जाते हैं 21 हम लोगों को, जिसमें से 6 शिमर शेड है, 7 मैट शेड है, और टोटल 9 शेड इसमें हम लोगों को मिल जाता है ग्लिटर के। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हैंड पे मैं स्वॉचेस दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं मैट शेड दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रहे मैट शेड जो काफ़ी पिगमेंटेड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। शिमर शेड अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो गाइस, ये रहे शिमर शेड। अब मैं ग्लिटर शेड अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहे मैट शेड, ये रहे शिमर शेड, ये रहे इसके ग्लिटर शेड। ओवरऑल ये जो पैलेट है आई शेडो का गाइज, इसके जो मैट शेड है वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, थोड़े से पाउडरी भी है, और जो शिमर शेड है वो मैट शेड से कम पिगमेंटेड है, लेकिन उसे बिल्ड किया जा सकता है। और जो यहाँ पे ग्लिटर शेड है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छे कलरफुल पैलेट है गाइज। अगर कोई बिगनर्स या फिर टीनेजर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, अफोर्डेबल भी है। और हाँ गाइज, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा कि आगे से कोई भी वीडियो अपडेट आपसे मिस आउट ना हो। सो बाय गाइज, टेक केयर।